यो व्हाट्स अप गाइस। सो फाइनली 1 महीने के बाद मैं फिर आ गया हूँ अपना वीडियो लेके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कैसे लगा मेरा जुगाड़ बैकग्राउंड का? ओके गाइस, सो आज का वीडियो का स्टोरी इस प्रकार है कि 11 सितंबर को मैं और मेरा दोस्त गए थे सिलचर, क्योंकि हम लोगों को अपना रूम पे सामान लेना था और मुझे गिम्बल लेना था। तो सुबह सुबह मैं 4:30 को निकला था अपने घर से, और हम लोगों का किस्मत इतना ख़राब था कि जैसे ही मैंने घर से बाहर निकला तो बारिश देना शुरू हो गया। मतलब हाफलोंग पहुँचते पहुँचते पूरा भीग गया था, और उसके बाद मतलब मेरा मूड ही नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए। तो उसी वजह से मैंने स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं बनाया, और हरंगजाव पहुँचने के बाद मैंने ब्लॉग बनाना चालू किया। सो या एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम। पीस। यो गाइस, सो हम लोग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे सिलचर, और बारिश होने की वजह से हम लोग का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। बट लकीली कुछ देर पहले ही जेसीबी आ गया है। सो देखते हैं कैसा होता है। सो यस, यू गाइस आफ्टर सम टाइम। A few moments later. Okay guys, so finally 30 to 40 minutes के बाद finally road clear हुआ, और इसी के साथ हम लोग बहुत खुश था। पर हम लोगों को क्या पता था कि ये तो बस एक trailer था, पूरी picture तो अभी बाकी है। A few inches later. Okay guys, so ये हम लोग का last blockage है, और यहाँ पे हम लोग लगभग 1 hour जैसा वेट करना पड़ा क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं हो रहा था, और ऊपर से मुझे बहुत सुसु आ रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि लेफ्ट राइट कीचड़ ही कीचड़ था, तो गाड़ी से उतरना इम्पॉसिबल लग रहा था। सो एनीवेज, यहाँ से हम लोगों का रास्ता अच्छा हो जाता है क्योंकि हाईवे मिलता है हम लोगों को। सो या एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो। फाइनली बहुत थकी थी जेल कर और पूरा दिन सफर कर हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने रूम पे। तो एक्चुअली हम लोग अपना सामान लेने के लिए आया था, और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि आज ही आएंगे और आज ही चला जाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं पाया क्योंकि हम लोगों को सिलचर पहुंचते पहुंचते लाइक ऑलमोस्ट 10 hours लग गए थे, क्योंकि माइबंग से हम लोग 4:30 को निकला था। बट सिलचर पहुंचते पहुंचते 2:30 हो गया क्योंकि बारिश दे रहा था, और उसके वजह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड और कीचड़ था, जिसके वजह से बहुत ही रोड ब्लॉकेज फेस करना पड़ा। सो उसकी वजह से हम लोगों को मतलब पूरा दिन लग गया, और इनफैक्ट रूम पहुंचते पहुंचते 4:30 हो गया था क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सो रूम आने से पहले हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट पे दबा कर खाया, और
आज तो हम लोग अपना रूम पे ही सोएंगे क्योंकि आज तो ऑब्वियसली लौट नहीं पाएंगे वापस. तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से. सो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं. सो या इफ यू कैन एंजॉय माय ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट ब्लॉग. अंटिल देन बाय बाय पीस. और मैं सोच रहा हूँ कि कल एक नया ब्लॉग बनाऊँ. सो या बाय बाय.